ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। अगर आप लोग भी सोचते हो कि ऐसी वीडियो सिर्फ पीसी से एडिट होती है तो आप बिल्कुल गलत हो। ये पूरा प्योर मोबाइल से एडिट है। एंड अगर 10 साल का बच्चा भी अगर सही से इस वीडियो को समझ जाता है ना, तो वो भी इससे अच्छी एडिटिंग कर लेगा। उसके बाद तो आप खुद बोलोगे कैसे कर लेता हूँ मैं ये सब। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे 3D प्रोफाइल एडिटिंग की जाती है। इसके बाद तो आपके दोस्त आपके ऊपर दीवाने हो जाएंगे। खैर, उन लोगों क्या पता भाई, ऐसी एडिटिंग करना एकदम सिंपल बात है, ये तो सिर्फ आपको पता है ना। तो चलो यार, एस टू गेमर से मैं हूं अभिषेक, एंड बिना किसी को हेडशॉट मारे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। पहले तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रिज्मा 3D। बस 3D इफेक्ट देने के लिए मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, बाकी सब काइंड मास्टर में ही हम करेंगे। एंड ये नया ऐप है तो डरने की जरूरत नहीं यार। मैं ही पहले बहुत डर रहा था कि भाई 3D ऐप है, ये सब तो मेरे को चलाना नहीं आता, मैं एडिटिंग नहीं कर सकता। लेकिन भाई जब मैं समझा ना इस ऐप को, तो भाई इतना सिंपल ऐप है यार, एकदम सिंपल है। तो देखो यार, ओपन करने के बाद ना आपको इधर न्यू का क्लिक बटन मिलेगा, उसको क्लिक कर लेना है। तो यार देखो, पूरा 3D टाइप का दिखेगा, थोड़ा आपका दिमाग खसक जाएगा। पहले देख के मेरा भी ऐसे ही हो गया था यार, कैसे एडिटिंग करें। लेकिन वीडियो को अंत तक देखो, सब समझ जाओगे अच्छे से। सबसे पहले तो अपना प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, एंड उसका जो प्रोफाइल रहता है ना उसको क्रॉप कर लेना है, पूरे एकदम साइज में क्रॉप कर लेना है। उसके बाद देखो, ऐप में आपके आना है, फिर उधर पे देखो क्यूब वाला ऑप्शन है ना, उधर पे क्लिक करना है। एंड एक और क्यूब वाला ऑप्शन आएगा, उधर पे आपको क्लिक करके एक क्यूब बना देना है। एंड पता है इसको क्या करना है, ये जो क्यूब है ना उसको आपको प्रोफाइल साइज में इसको थोड़ा लाना है। तो वो कैसे लाओगे, देखो आपको इस जगह पे क्लिक करना है, ऊपर से अगर क्लिक करोगे तो फिर आप देखो जो रेड वाला है ना उसको अगर आप खींचोगे ना तो ये चौड़ा होगा, एंड जो ब्लू है उसको खींचोगे तो लंबा होगा। तो उसी से आपको इसको शेप देना है। तो अपने प्रोफाइल के हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे उसको शेप दे देना। फिर देखो, टेक्सचर का बगल में ऑप्शन है, उधर पे आपको प्रोफाइल जो आपका इमेज जो क्रॉप किए थे ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। आप देखो, सिलेक्ट करने के बाद देख रहे हो कैसे दिख रहा है, एकदम 3D वाला लुक दिख रहा है भाई, ओपी, एकदम ओपी लग रहा है। फिर जो आपको ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है ना उसको आपको नीचे की तरफ थोड़ा करना है, तो वो थोड़ा पतला होगा। देख रहे हो कैसे पतला हो रहा है, तो ऐसे आपको पतला करना है, ज्यादा मोटा अच्छा नहीं रहता। फिर देखो, उसके बाद आपको इस जगह पे क्लिक करना है, एंड अब इस जगह पे क्लिक करके ना आप अपने प्रोफाइल को आगे पीछे कर सकते हो। तो पहले आपको जूम कर लेना है जहाँ से आपको वीडियो को स्टार्ट करना है। तो आप जब अपने हाथ से करोगे ना तो आपका हाथ जम जाएगा एक दो बार करोगे तो देखो मेरे को इधर से वीडियो स्टार्ट करना है तो मैं इधर कर लिया। एंड उसके बाद देखो, आपको इधर क्यूब पे क्लिक करना है, उधर पे फिर आपको रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर ऊपर पे आपको मोड लाइन दिख रहा होगा, उधर आपको क्लिक करना है। आप देखो रिकॉर्डिंग टाइप का थोड़ा आ गया, तो आपको करना कुछ नहीं। सबसे पहले देखो आपका ऐसा है ना, तो उधर पे रेड वाला जो अलार्म टाइप का दिख रहा है उसको क्लिक करके पिन कर लेना है। उसके बाद देखो जो नीचे दिख रहा है ना उसको आपको 100 में घिसेटते लेके जाना है, तो उधर पे आपको लेके जाना है। फिर आपको प्रोफाइल को थोड़ा ऐसे आगे तरफ खींचना है, डबल दोनों उंगली लगाओगे तब आगे खिंचाएगा, तो उसको आगे खींच लेना है। फिर उधर पे जहाँ तक आपको पहुँचना है ना, जहाँ तक वीडियो को लेके जाना है उधर तक अगर आप पहुँच गए तो फिर से इसको पिन कर लेना रेड वाला दबा के। एंड फिर आपको आगे थोड़ा सा इसको करना है, 100 फिर से आगे करना है। देखो नीचे वाले को आगे करना है, सही से समझो आगे कर लिए है ना। फिर उसके बाद आपको जहाँ जाना है आपको अपना BR रैंक दिखाना है, जो भी दिखाना है उधर पे आपको क्लिक कर दो वैसे, एंड फिर से उसको पिन कर दो। ऐसे ही आपको सब जगह कर लेना है। अब आपका 3D प्रोफाइल रेडी हो गया है। देखो यार, देखने में क्या ओपी लग रहा है, ऐसे ही पूरा बनेगा, देखो मज़ा ही जरा, मेरा तो दिल ही आ गया इसमें। एंड पता है एक चीज़ आप और कर सकते हो, इधर पे क्लिक करके ना आप बैकग्राउंड भी इसका चेंज कर सकते हो। वेल, मैं थोड़ा सा ही बैकग्राउंड को चेंज करूँगा, आप कुछ भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आप अपने मर्जी के हिसाब से। अब भाई आपको इसको सेव करना है, एंड सेव करने में भाई आपको थोड़ा दिक्कत इसमें जाने वाला है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है इसमें सेव करना, तो उसको एकदम ध्यान से सुनना। देखो इधर 3 आइकन है, उस पर क्लिक करना है आपको। फिर उसके बाद ना आपको रेंडर पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो आपको ना नीचे पे ना एक ठोक 2 दिख रहा होगा, उसको आपको 420 कर लेना है, क्योंकि नीचे हम लोग कम से कम 400 तक लेके गए थे है ना। आप जितना तक लेके गए उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा रखना। फिर आपको जो फ्रेम रेट है ना उसको 60 पे कर लेना है, इससे आपका वीडियो एकदम स्मूथ रन होगा। फिर उसके बाद आपको पता है क्या करना है, आपको स्टार्ट या जो भी बटन है उधर पे क्लिक कर देना उसको। एंड देखना, जब उसको क्लिक करोगे ना वो सेव होना चालू होगा, तो उसके पीछे आपका ना जो प्रोफाइल का वीडियो है वो चलना चाहिए।
चाहिए, वो नहीं चलेगा तो भाई आपका सिर्फ फोटो बन के आएगा, वो चलना कंपलसरी है, वो चलेगा तभी आपका वीडियो सेव हो रहा है। अब आपको ZRTU नाम का तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि मेरा एंड्रॉयड 11 हो चुका है एंड मैं ऐसे फाइल मैनेजर के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि ये जो सेव होता है ना वीडियो, ये एंड्रॉयड डाटा के अंदर सेव होता है, तो ये कहीं पर शो नहीं होता है। तो मैं ZRTU से जा रहा हूँ तो अंदर डाटा में जा रहा हूँ, तो उधर पे आपको भी ऐसे ही चल जाना है जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो देख लो यार मैं स्क्रीन में मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, तो उधर उधर पे आपको जाना है। एंड उधर देखो अंदर जब आप पहुँच जाओगे ना तो आपको एक वीडियो दिखेगा, तो उसको सिलेक्ट करना है एंड जो मैं कर रहा हूँ देखो फ़ोन स्टोरेज में जाके उधर पे पेस्ट कर लेना है, तो आपको भी वैसे ही पेस्ट कर लेना है। फिर आपने जो वीडियो सेव किया था उधर से वो हर जगह शो होना चालू हो जाएगा। फिर आपको काइंड मास्टर ओपन करना है, वो वीडियो ऑडियो सब सिलेक्ट कर लेना है एंड इतना करने के बाद ना मुझको अब ऑडियो ऐड करना है जो मेरे को ऑडियो चलाना है, एंड उसके हिसाब से आप इसका स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑडियो के हिसाब से। तो मैं ऑडियो पहले ऐड कर ले रहा हूँ एंड ऑडियो मेरे को जैसा स्पीड चाहिए जैसा प्रोफाइल चाहिए, क्योंकि मैंने मेन चीज़ करके तो आपको दे दिया जो 3D इफेक्ट देना है, तो वो तो हमने दे दिया है, बाकी काइंड मास्टर तो आपको चलाना आता हुआ, आप अपने से भी अच्छा अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। मुझे जो इफेक्ट अच्छा लग रहा है मैं वो इफेक्ट दे रहा हूँ एंड अगर आपको भी मेरे जैसा इफेक्ट देना है तो मेरे वीडियो को फॉलो करते रहो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अब नहीं बोल सकता यार, मेरे गले निकल के बाहर आ जाएंगे। अब सब कुछ तो मैंने कर दिया लेकिन भाई बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, मैंने देखा नहीं एंड रिकॉर्डिंग ऑन भी मैंने नहीं किया, तो भाई वो थोड़ा हो गया अलग। लेकिन जो आखिरी में मैंने इफेक्ट वगैरह सब हिलने वाला डाला है, ब्लिंकिंग इफेक्ट डाला है ना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे डालना है। तो सबसे पहले जो ये ब्लैक ब्लिंकिंग इफेक्ट है ना ये वाला, तो इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा FX में जाके। तो देखो इधर पे आप क्लिक करोगे तो जाके इधर इस जगह से आप डाउनलोड कर सकते हो ये ब्लिंकिंग वाला इफेक्ट, तो इधर ब्लिंकिंग वाला इफेक्ट डाल सकते हैं। एंड लास्ट में जो हिलने वाला है ना, जब बंदा कुर्सी में बैठता है तो पूरा कुर्सी हिल जाता है, मतलब पूरा बंदा भी हिल जाता है, तो वो आप इधर FX में जाके देख सकते हैं। तो FX में इधर जाओगे तो इधर पे आप जाके देख सकते हो ब्लिंकिंग वाला वही जो हिलने वाला इफेक्ट है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। वेल मैंने ये वीडियो रिसीव ऐसे डेमो पीस के लिए किया था, आप इससे ज़्यादा अच्छा एडिटिंग कर सकते हैं, मेरा सिर्फ पर्पस आपको बताने का यही था कि 3D प्रोफाइल कैसे एडिटिंग करते हैं। तो इसीलिए यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फायदे में रहोगे एंड वीडियो को तो आपको लाइक करना ही है। एंड चलो यार मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ आपको एकदम अच्छे से समझा दिए, अभी भी कुछ समझ नहीं आया या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब वक्त हो चुका है जाने का एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी ऑनेस्ट टॉपिक पर। तो चलिए गाइस टाटा बाय बाय।